हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आपको स्वागत है। तो मेरा पास है रियलमी नार्जो 50A प्राइम। तो रियलमी नार्जो 50A प्राइम पर एक प्रॉब्लम हो चुका है। तो अगर आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, कोई भी टच वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, कुछ बोलता है लेकिन कोई भी टच काम नहीं करता है। देखिए, जो जो प्रेस होता है वो बोलता है लेकिन टच सही तरह काम नहीं करता है। तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? तो आपको क्या करना होगा, तो आपको दो उंगली से आपको ये ऑपरेट करना होगा। तो देखिए, इस तरह आपको दो उंगली से ऑपरेट करना होगा। अगर आपको क्लोज करना है, आपको दो बार प्रेस करना होगा इस तरह। अगर कोई भी ऑप्शन पर प्रेस करना है तो आपको दो बार प्रेस करना होगा। देखिए, मैं अगर उसको होम पेज को ओपन कराऊँगा तो एक उंगली से आपको ये ओपन नहीं होगा, तो आपको दो उंगली से ऐसे करना होगा, तो आपका मोबाइल वर्क करेगा। तो देखिए, फिर से दो उंगली से, उसके बाद सेटिंग्स अगर मैं ओपन करूँगा तो पहले एक बार उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको दो बार प्रेस करना होगा। करने के बाद सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। तो सेटिंग्स ओपन होने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, दो उंगली से ऊपर लाना होगा। लाने के बाद आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। पहले एक्सेसिबिलिटी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दो बार प्रेस करना होगा। करने के बाद आपको मिल जाएगा टॉक बैक। एक्सेसिबिलिटी में आपको मिल जाएगा टॉक बैक। देखिए, टॉक बैक ऑन होने के बाद आपको ये ऑप्शंस, ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, टॉक बैक को बंद करना होगा। टॉक बैक को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको दो बार प्रेस करना होगा। करने के बाद देखिए, यूज़ टॉक बैक को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दो बार प्रेस करने से आपको मिल जाएगा स्टॉप। तो आपको स्टॉप करना होगा। स्टॉप को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद दो बार प्रेस करना होगा। करने के बाद आपका ये जो टॉक बैक बंद हो जाएगा और आपका टच भी वर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया, अगर आप करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बोल सकती हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।